कठोपनिषद की तीसरी वल्ली का प्रकरण चल रहा है, जिसमें यमाचार्य नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। कल हमने जिस बात को समझा था वो ये थी कि शरीर रथ है, आत्मा इसमें रथी है अर्थात रथ वाला है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, घोड़े हमारी इंद्रियां घोड़े हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के विषय इंद्रियों के लिए गोचर हैं, मार्ग हैं। इस जीवन में आकर के हमें इंद्रियां मिल चुकी हैं अर्थात घोड़े मिल चुके हैं और घोड़ों को चलने के मार्ग अर्थात संसार के विषय ये भी मिल चुके हैं, चारों ओर विद्यमान हैं। परमात्मा ने हमको लगाम भी दी है, मन भी दे दिया है और एक श्रेष्ठ सारथी बुद्धि भी हमें प्रदान करती है और हम स्वयं रथी के रूप में, रथ के स्वामी के रूप में इसमें विद्यमान हैं। इन सब को बता करके यमाचार्य हमको करने के योग्य कार्य बता रहे हैं कि इस रथ में बैठ करके अब हमको क्या करना है। हमारा लक्ष्य परम पद मोक्ष की प्राप्ति है तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या कुछ विशेष करना है, अथवा तो ये साधन स्वतः जिस ओर जाएंगे जिस ओर चलेंगे वैसे चलते रहें। तो पांचवें श्लोक में यमाचार्य कहते हैं, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। यह तो अविज्ञानवान भवति, जो विज्ञान से रहित होता है, बुद्धि रूपी सारथी तो जिसने पा लिया है लेकिन उसके अंदर शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो अविज्ञानवान व्यक्ति हुआ। तो जिसने शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया वह व्यक्ति, और अयुक्तेन मनसा सदा, जो अयुक्त मन से, अयुक्त मन के साथ है, जिसका मन बुद्धि से नहीं जुड़ा हुआ है वो अयुक्त मन वाला है। लगाम सारथी के हाथ में जिसके नहीं है वो अयुक्त मन वाला है। मन तो सबके पास में है और मन के अनुसार संसार चलता रहता है। मन को जो चीज प्रिय लगी, जिसमें तात्कालिक सुख दिखा उसको कर लिया, अपना लिया, मन में इच्छा पैदा हुई उस इच्छा को पूरा कर लिया। इच्छा को पूरा नहीं करें तो मन में क्षोभ पैदा होगा, इच्छा के विघात से चित्त में क्षोभ, थोड़ी व्याकुलता पैदा होगी। तो इच्छा की पूर्ति कर लो और मन को शांत कर लो। ये वो व्यक्ति हैं जो बुद्धि के साथ मन को युक्त नहीं करते। एक वो वर्ग है जो इंद्रियों के सुख, शरीर के सुख तक सीमित है, आंतरिक सुख, मानसिक सुख के और उसका झुकाव नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो शारीरिक और इंद्रिय सुखों से ऊपर उठ करके परोपकार, सेवा, दान इत्यादि के माध्यम से आंतरिक सुख भी चाहता है, दूसरों की सेवा करके
अपने भोग साधनों को दूसरों को देकर के कुछ मानसिक सुख भी चाहता है, लेकिन वो भी इस स्तर पे है कि जो इच्छा हुई वो कर लिया और मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर लिया। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो बुद्धि ज्ञान से रहित होता है और अयुक्तेन मनसा सदा, मन को अपनी बुद्धि से जोड़ करके नहीं रखता, मन में जो इच्छा पैदा हुई उसकी पूर्ति कर ली, इसी तक जीवन की सफलता, इसी में जीवन की सफलता समझता है, उस व्यक्ति का क्या हाल होता है? उसको कहते हैं तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहेंगी। जो घोड़े हैं वो उसके वश के अंदर नहीं रहेंगे। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, किस प्रकार से? दुष्ट अश्व इव सारथे, जैसे किसी सारथी के दुष्ट अश्व हों, बिगड़ेल घोड़े हों और वो उसके वश में नहीं रहते और जहां चाहे वहां ले जाते हैं, उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं और रथ टूटता है, रथ उलट सकता है, कुछ भी हानि हो सकती है। समाज के अंदर एक विचारधारा प्रचलित है, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी, और अध्यात्म में भी, भारतीय अध्यात्म में भी ये बातें विज्ञान से प्रभावित होकर के आई हैं। एक बड़ा वर्ग है जो ये उपदेश देता है कि मन को रोको मत, मन में जो इच्छा हुई उसकी पूर्ति कर लो। मन एक स्प्रिंग की तरह है, उसको जितना दबाएंगे वो उतना उछल करके और उभर करके आएगा, इसलिए अच्छा है उसको न दबाया जाए। और मन को न दबाने का उनका तात्पर्य है मन की जो इच्छा हो उसको पूरा कर लिया जाए और इस प्रकार हम शांति को प्राप्त करेंगे। यहां बुद्धि को एक तरफ रख करके मन की इच्छा के अनुरूप सारे कार्य किए जाएं, ये धारणा बना ली गई, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान इस बात को मानता है कि समाज में जो विकृत मन वाले हैं, मानसिक रोगी हैं, उसमें एक बड़ा कारण है उनके द्वारा अपने मन की भावनाओं को दबाया जाना, और मन की भावनाओं को दबाते दबाते वो मन को विकृत कर लेते हैं और अपना सामान्य जीवन भी नहीं जी पाते। इस प्रकार के उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। तो इसलिए ये धारणा बनी कि मन में जो इच्छा हो उसको भोग लिया जाए, वो कर लिया जाए तो जीवन शांत रहता है, क्योंकि इच्छा का विघात होने पर चित्त में क्षोभ आता है। लेकिन जो भारतीय अध्यात्म शास्त्र है वो इस बात को कहीं स्वीकार नहीं करता। इस कठोपनिषद में भी यमाचार्य नचिकेता को ये कह रहे हैं कि मन को अयुक्त मत रखो, मन को बुद्धि से पृथक मत रखो, लगाम हमेशा सारथी के हाथ में रहनी चाहिए। बुद्धि यहां पर सारथी है और मन यहां पर लगाम है। आधुनिक विज्ञान कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है कि लगाम छोड़ दी जाए, जहां ये घोड़े जाएं उसी में प्रसन्नता है, लेकिन अध्यात्म कहता है लगाम को हमेशा बुद्धि के साथ रखो। लगाम को बुद्धि के साथ रखने का तात्पर्य ये है कि तात्कालिक हित अहित, तात्कालिक सुख दुख तक अपने निर्णय केंद्रित मत रखो। हो सकता है आज जो चीज हमको सुखद लग रही है वो परिणाम में अहित कर हो, और मन को बुद्धि के साथ में जोड़ने का ये मतलब है, लगाम को सारथी के हाथ में पकड़ाने का ये अर्थ है कि परिणाम में जो चीज हितकर है उसी को किया जाए, और जो परिणाम में हितकर होती है वो अनेक बार वर्तमान में
दुखदायक या कुछ क्षोभ कारक भी होती है, कष्टदायक होती है। एक बच्चे को भविष्य की अच्छी कामना के लिए वर्तमान में घंटों बैठ करके अध्ययन करना हो रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, उसकी खेलने की इच्छा का विघात हो रहा है, चित्त में क्षोभ होता है, दूरदर्शन फिल्म देखने की इच्छा का विघात होता है, चित्त में क्षोभ होता है। अगर मन के आधार पर ही चला जाए तब तो वो अध्ययन छोड़ देगा, लेकिन अगर मन को बुद्धि से जोड़ रखा है, लगाम को सारथी को पकड़ा रखा है, तो बुद्धि यही कहेगी कि भविष्य इसमें उचित नहीं है, भविष्य के लिए अभी संयम करना आवश्यक है, अध्ययन तपस्या करना आवश्यक है। तो इस संसार में भी विषयों के बीच में जब हम रमण करते हैं, विषयों के अंदर चलते हैं, तो किस विषय को सेवन करें किस विषय को न करें, ये बात बुद्धिपूर्वक आए, सारथी के द्वारा लगाम को खींचा जाए, नहीं तो दुष्ट घोड़ों के समान उस सारथी की बुद्धि की स्थिति बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान होगा लेकिन वो परेशान होता रहेगा, कहां जाना है इसको पता नहीं, कहीं भी पहुंचेगा। सारथी है, ज्ञान भी है, लेकिन लगाम सारथी के हाथ में नहीं है। और आज पदे पदे इस प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन फिर भी वही करते हैं। जब जानते हैं सारथी को रास्ते का पता है, फिर रथ ठीक मार्ग पर क्यों नहीं चल रहा है? लगाम सारथी के हाथ में नहीं है। तो यमाचार्य कहते हैं, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। और इसके विपरीत जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? तो छठे श्लोक में कहा, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञानवान होता है, बुद्धि में ठीक ठीक ज्ञान रखता है, और युक्तेन मनसा सदा, और मन को सदा बुद्धि के साथ में जोड़ करके रखता है, बुद्धि से उचित निर्णय होने पर ही उस कार्य को करता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां उसके वश के अंदर रहती हैं, उसके घोड़े उसके वश में रहते हैं, जहां वो घोड़ों को चलाना चाहता है, जिस रास्ते पे चलाना चाहता है उस रास्ते पे उसके घोड़े चलते हैं। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदाश्वा इव सारथे, अच्छे घोड़ों वाले सारथी के समान उसकी इंद्रियां जहां वो चलाना चाहता है वहां वो चलती है। और इस बात को थोड़ा सा खोलते हुए सातवें श्लोक में कहा, यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा अशुचि ही, जो अविज्ञानवान होता है, ज्ञान रहित होता है, और अमनस्क, जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और मन पर नियंत्रण भी नहीं है, और जो अशुचि है, पवित्र आचरण वाला नहीं है, वह न स तत्पदम आपनोति, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, नहीं पा पाता है, जिस परम पद को उसको पाना था, जिस लक्ष्य को वो लेके चला था, उसका होता क्या है? तो कहा, संसारम चाधिगच्छति, वो संसार के अंदर ही आता जाता रहता है, संसार में ही उसका जन्म मरण चलता रहता है। और परम पद को कौन प्राप्त करता है, इसको अगले श्लोक में कहा, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञानवान होता है, और समनस्क सदा शुचि, और नियंत्रित मन वाला होता है, पवित्र आचरण वाला होता है, वह सतु तत्पदम आपनोति, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यस्मात् भूयो न जायते, जिसको पाकर के फिर जन्म मरण का चक्र उसका नहीं होता, वो फिर से इस संसार के अंदर नहीं आता। शरीर के उदाहरण से, रथ के उदाहरण से यमाचार्य बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमको सब साधन मिले हुए हैं,
आत्मा को करना क्या है? अपने मन को बुद्धि के साथ में जोड़ के रखना है, बुद्धि पूर्वक हर क्रिया को करना है और अपने आचरण को पवित्र रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। एक मान्यता पहले प्रचलित थी, आज भी प्रचलित है कि अगर किसी से परेशानी हो तो तुरंत कुछ अभिव्यक्ति दे दो, मन की जो बात है तुरंत निकाल लो, मन शांत हो जाएगा। और यदि अंदर ही बैठा के रखे तो अंदर ही अंदर घुन लगता रहेगा और परेशान होते रहेंगे। इस पे प्रयोग भी किए गए और यही मान्यता दृढ़ होती रही। लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ और अनुसंधान किया, एक चरण और आगे बढ़े, उन्होंने कॉलेज के युवक युवतियों को रखा, उनके कान के ऊपर स्पीकर लगा दिए और तरह तरह की परेशान करने वाली आवाजें उनको दी गई, कंप्यूटर पर बैठा दिया गया और भिन्न भिन्न परेशान करने वाली तीव्र आवाजें दी गई। उनमें से आधों को कहा गया कि जब आप परेशान हो जाओ तो अपने गुस्से को किसी भी तरह निकाल देना, मेज को मार करके, पेन को तोड़ के, कागज को फाड़ करके, कहीं घुसा मार के अपने क्रोध को निकाल के शांत हो जाना। और आधे लोगों को कहा गया कि आप कुछ मत करना, बैठे रहना। तो पहले स्तर पर यही परिणाम आया कि जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दे दी, क्रोध को निकाल दिया किसी तरह, वो शांत हो गए। और जो चुपचाप बैठे रहे उनके मन की परेशानी, मन का क्षोभ कुछ अधिक देर तक चलता रहा। तो यहां तक तो इस उसी मान्यता की पुष्टि होती रही जो कि माना जाता रहा। लेकिन अनुसंधानकर्ता ने एक कदम और आगे किया, अगली बार उनको फिर से बैठाया और फिर परीक्षण किया कि कौन पहले जल्दी क्षुभित होते हैं, कौन देरी से होते हैं। तो जिस वर्ग ने पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्रोध व्यक्त किया था, अगली बार फिर से जब उनको तरह तरह की आवाजें, बेचैन करने वाली आवाजें सुनाई गई, वो बहुत जल्दी क्षुभित हो गए। और जो दूसरा वर्ग था जिसने पहले सहन किया था, भले ही अधिक देर तक मन उनका परेशान रहा था, लेकिन अगली बार जब उनको उस तरह की आवाजें आई तो वो जल्दी से क्षुभित नहीं हुए, उनमें सहन क्षमता बढ़ चुकी थी। ये अंतर है। एक तो हम केवल मन की शांति को लेकर के चलें, तत्काल जिससे शांति हो जाए वही हमारा कर्तव्य बन जाए, एक ये दृष्टि है। और एक वो दृष्टि है कि मन को बुद्धि से जोड़ के रखें कि आखिर जो हम कष्ट सहन कर रहे हैं, तपस्या का सहन कर रहे हैं, जब भोगों के भोगने की इच्छा होती है उस समय अपने को संयमित कर रहे हैं और बड़ी पीड़ा हो रही है, बेचैनी हो रही है, मन में क्षोभ पैदा हो गया है, दौर्मनस्य आ गया है, ये वस्तुतः हमारे परम पद को प्राप्ति का मार्ग है। इस कष्ट को सह करके हम अपने आप को संयमित करते हैं। तो यमाचार्य का इन श्लोकों के अंदर मुख्य तात्पर्य है कि अपने मन को बुद्धि के साथ में जोड़ के रखें और जो परिणाम में हितकर हो उस कार्य को करें, तत्काल रमणीय, तत्काल हितकर लगने वाली चीजों की तरफ आकर्षित न हो, और इसी प्रकार चलते हुए हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं।